अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी ज्वाइन किया है, तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, वैसे सर्दियों का मौसम है यार, और सर्दियों में तो डेफिनेटली आपको कैब करनी चाहिए यार। और मेरे तो वैसे भी बाल नहीं है, तो उस हवाले से भी ज़रा मैंने कैब की हुई थी। और आज ना हम चलते हैं अपने छोटे से फार्म हाउस पे और जाके देखते हैं कि हमारे जानवर क्या कर रहे हैं। आई आई साथ आइए। वाह भाई, हमारे जानवर, हमारे गोलू मोलू तो भाई खड़े हैं। दरवाजा मैं कर देता हूँ बंद, क्योंकि बाहर है मौसम ठंडा। लाइटें मैंने दोनों जला दी हैं। वैसे यार एक काम बड़ा अच्छा हो गया है, पता है क्या? आपको बताऊं पता है क्या, कौन सा काम अच्छा हो गया यार? रात को जो मैंने यहाँ पे ना लकड़ी का बूरा नीचे मैंने बिछाया था, ये दिखा देता हूँ आपको भाई। ये गट्टू पड़ा है जी लकड़ी के बूरे का, जो मैं रात को नीचे जो मैंने डाला है, ये बूरा लकड़ियों वाला है, ठीक है? लकड़ियों का जो वो जो छिलका जो बच जाता है, स्क्रैप जो बच जाता है लकड़ियों का भाई, ये वो मैं लेके आया था अपने जानवरों के लिए। क्यों? रात को फर्श हो जाता है ठंडा, तो जानवर बीमार होने से बच जाएंगे। ये है देसी तरीका। हाँ, अगर आपको एक विलायती तरीका चलना है तो वो फिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। उसकी वजह क्या है? नीचे आप फट्टे लगा दें, और नीचे आप जो है फट्टों के ऊपर कोई ना कोई आप अपनी फट्टों के ऊपर आप प्लास्टिक लगा दें, ताकि ना आपके जानवर उसके ऊपर बैठे सही और गीले ना हो। भाई इस मौसम में अपने जानवरों को सर्दी से बचाएं, अपने जानवरों को बुखार से बचाएं, अपने जानवरों को बीमार होने से बचाएं भाई। जैसे देखो यार, जैसे हम अपने बच्चों की केयर करते हैं ना, वैसे ही आपने अपने जानवरों की भी केयर करनी है। एक और आपको मजे की बात बता देता हूँ। देखो यार, ये यहाँ जो इन्होंने पेशाब किया, वो सारा का सारा इस लकड़ी के बूरे ने सक कर लिया, मतलब यहीं पे ही पेशाब रुक गया। इस पूरे कमरे में स्मेल भी नहीं है, ठीक है? और दूसरा ये कि ये पेशाब बाहर वाले दरवाजे से बाहर नहीं गया अभी यार। उए, ये क्या? अरे यार, इसका बंदोबस्त तो मैंने रात को किया नहीं यार। ये तो यहां से इनको हवा आती होगी भाई ठंडी ठंडी। यार इसका मुझे बंदोबस्त अब करना पड़ेगा। मुझे लगता है मैं इसके दरवाजे के नीचे ना, या तो मैं दरवाजे के साथ बाहर की तरफ से कारपेट का टुकड़ा लगा दूं ताकि हवा अंदर ना जाए, एक काम। या बाहर की तरफ से मैं इसी बूरे की अगर एक लह दे दूं, एक लाइन लगा दूं बूरे की, और दरवाज़ा बंद करूं, और बाहर से फिर जब मैं रात को जब जाने लगूं तो बाहर से पाँव के साथ उसको सख्त कर दूं, ताकि भाई यहां से हवा ना जाए मेरे जानवरों के लिए। यार ये तो बड़ी गलत बात है। हाँ जी, तो व्यूअर्स आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे इस हवाले से? यार ये तो हवाएं आती हैं, आपको पता है जब हम अपने कमरे में होते हैं ना, तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है, और किसी न किसी कोने से हवा आ रही होती है। अब यही चीज हमारे जानवरों के साथ भी है यार। इनको ना आपने ठंड से बचाना है, इनको ना किसी तरीके से आपने ठंड से बचा के रखना है, महफूज रखना है अंदर। वैसे अंदर तो इनकी अपनी भी हीट होती है, तो उस हवाले से ना ये जानवर बड़े जबरदस्त तरीके से काम कर रहे होते हैं। इनकी बॉडी से अलग से एक हीट निकल रही होती है भाई, और ये उस हीट का फायदा उठाते हैं। क्यों? इनका जिस्म गर्म रहता है। आप अगर इन्हें फर्श भी गर्म मिल जाए तो आए क्या ही बात है यार, सुकून की नींद आएगी, है ना? देखे ना, जैसे आप बेड मिल जाते हैं आपको ऊपर, आप कहते हो यार रजाई भी मिल जाए तो क्या ही बात होगी, सुकून से नींद आएगी। अरे भाई, इनको अगर गर्म फर्श मिल जाए, और ये खुद भी गर्म है, तो फर्श भी इनको गर्म मिल जाए, और रूम अंदर बंद हो, छोटा सा रूम हो, खैर ये तो बहुत बड़ा है, छोटा सा रूम हो, तो उसमें भाई मैं तो कहता हूँ कसम से कमाल हो जाएगा। वैसे तो मैं और भी बकरियां लाने लगा हूं, आप लोग क्या सजेस्ट करते हो मुझे कमेंट में नीचे लाजमी बताइएगा। और आप ये जो है ना, आप लाजमी दें भाई अपने जानवरों को, ये बड़ी ही बड़ी मजबूत और बड़ी पायदार ग़िज़ा होती है। इससे जानवर इंशाल्लाह आपका बड़ा सेहत में आएगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है जी दोस्तों, तो मिलते रहिए। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते रहिए, कमेंट में मुझे लाजमी बता दीजिएगा इंशाल्लाह ताला कि इसका मैंने क्या हल करना है। और आप तब तक ये देखते रहिए HMH गॉड फार्मिंग। हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि इससे हमारी
मोटिवेशन और ज्यादा बढ़े और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे से व्लॉग लेके आऊँ बकरियों के हवाले से। बाय बाय।